क्या आती है भाई गजब। चलिए आई होप मैं लाइव हूँ ना, है ना? मैं लाइव हूँ। यस सर आप लाइव हैं। गुड मॉर्निंग सभी को, सुप्रभात। और आज के लेक्चर्स में आप सभी का स्वागत है। आज के लेक्चर में आप सभी का स्वागत। क्या ये बैलेंस हो गया? यस सर, मस्त लग रहा है वो। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग करने वाले हैं एक्सिस प्रेशर। क्या करने वाले हैं? एक्सिस प्रेशर। अगर आप समझना चाहते हैं ये एक्सिस प्रेशर किस चीज का नाम है, एक्सिस प्रेशर, तो फोटो देख लीजिए। फोटो देखिए, समझ जाइए। फोटो देखते ही मजा आ जाता है। लिक्विड का ड्रॉप में फोटो देखिए, समझ जाइए। कहाँ नहीं दिखेगा एक्सेस प्रेशर। जा, कोई क्वेश्चन ही नहीं है भाई, रे एक भी फोटो नहीं है भाई। का गूगल बाबा बिना फोटो के है? बिना फोटो के है? छोड़ो, है ये नहीं तो कहाँ करें। चलो हाँ, मेरा अपना डायग्राम है ना, आ जाइए। एक्सेस प्रेशर, आप जानते हैं एक्सेस प्रेशर क्या होता है? बस इतना ही समझना है। एक्सेस प्रेशर ये समझिए, प्रेशर इनसाइड द ट्यूब, लिक्विड ड्रॉप। ध्यान समझिएगा। हाँ, हम क्या बोलना चाह रहे हैं? प्रेशर इनसाइड द लिक्विड ड्रॉप। लिक्विड ड्रॉप के अंदर ज्यादा प्रेशर होता है, इज मोर देन आउटसाइड, बाहर के मुकाबले ज्यादा होता है। पता है कितना से? बाई 2t/r या फिर 4t/r। ये ले लोटा, ले लोटा। कभी 2t/r, कभी 4t/r, ये क्या चीज है? 2t/r, 4t/r, ये कौन सा चीज है सर? मतलब घपला 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 घपला, नहीं रे बाबा। 2t/r और 4t/r, समझिए होता क्या है। 2t/r है सिंगल लेयर के लिए। 2t/r किसके लिए है? सिंगल लेयर। सिंगल लेयर जैसे ड्रॉप, कौन सा चीज? ड्रॉप। और 4t/r किसके लिए है? बबल्स, डबल लेयर, है ना? ये किसके लिए है? डबल लेयर, जिसको क्या कहेंगे? बबल्स या फिर फिल्म। ठीक है, इस चीज को समझने में क्या दिक्कत है? डायग्राम के बेसिस पर समझ जाइए तो ज्यादा अच्छा रहेगा, मजा आ जाएगा। मान लेते हैं एक अपना ड्राप, है ना? लेट अस सपोज दिस इज योर ड्राप। तो अगर ये ड्रॉप है तो पूरा लबा लब अंदर भरा हुआ है पानी से। भाई पानी तो बड़ा अजीब कलर का है। जो भी है, पानी पूरा भरा हुआ है। तो पानी जब भरा हुआ है तो अंदर की तरफ प्रेशर ज्यादा होता है। बाहर का प्रेशर अगर एटमोस्फेरिक है ना, तो जिधर कन्वे कनकेव जिधर कनकेविटी हो, जिधर कनकेविटी हो, कर्व हो, कर्व हो, कर्व हो, वहां पे प्रेशर कितना ज्यादा होता है? क्योंकि ड्रॉप है तो 2t/r। कितना ज्यादा होता है? 2t/r। तो अगर एक्सेस प्रेशर बात करेंगे तो अंदर ज्यादा है, कितना ज्यादा है? 2t/r। ये समझाना चाहते हैं। गुड मॉर्निंग रे बाबा, गुड मॉर्निंग। अच्छा, ये तो ड्रॉप हो गया जो पूरा भरा हुआ रहे। कभी 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 बबल भी रहता है ना? बबल को कहें फिल्म भी रहता है। फिल्म अंदर खोखला होता है। फिल्म में जो भी पानी होता है ना, शायद आपको पता होगा, फिल्म में जो भी पानी होता है। अरे यार, क्या डायग्राम है। क्या डायग्राम बना था, डंप ओवरलैप कर गया था ना। अरे यार, बढ़िया डायग्राम ना बन रहा है। ठीक है, मैं एक चीज और ट्राई करता हूँ ना। अरे ला 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 ला, अरे रे 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 रे, एकदम ट्राई कर रहे हैं। अरे नहीं होगा ट्राई। अरे यार, वाह कितना मजेदार डायग्राम बनता, काम में नहीं किया। ये उसी पे ओवरलैप कर गया था यार, उसी पे ओवरलैप कर गया था। है
ऐसे होता है, उसी पे ओवरलैप बन जाता है। क्या बात है, क्या बात है। देखो भाई डायग्राम तो देखो झकास है ना। देखो मैंने डायग्राम बनाया है। बबल्स में क्या होता है ना, अंदर पूरा पानी भरा हुआ होता है। जैसे मान लेते हैं कौन से रंग से पानी भरा हुआ है, कलर चेंज नहीं हो रहा। अरे यार क्या वो लैग कर गया, हैंग कर गया, अच्छा नहीं लगता यार। मतलब 2 दिन अच्छा से चले फिर खराब से चले। ले लैग कर गया, छोड़ो 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 छोड़ो, हमको क्या दिक्कत है। बबल्स या फिल्म रहे, बबल्स या फिल्म रहे, तो बाहर का प्रेशर कितना होता है एटमोस्फेरिक। बबल्स में क्या होता है ना, यहाँ पे पूरा पानी भरा हुआ रहेगा है ना, अंदर तो खाली ही रहेगा, अंदर तो खाली ही रहेगा। अब समझिए हम कर क्या करना क्या चाहते हैं, हम करना ये चाहते हैं हम करना ये चाहते हैं कि अगर बाहर का प्रेशर एटमोस्फेरिक है तो एक लेयर के बाद प्रेशर हो जाएगा पी नॉट प्लस 2T/R, और फिर एक लेयर के बाद प्रेशर हो जाएगा पी नॉट प्लस 2T/R का फिर से 2T/R है ना, 2T/R। समझिए क्या किए, पहले प्रेशर 2T/R ज्यादा किए और फिर प्रेशर 2T/R ज्यादा किए। अब फाइनल इस लेयर और नीचे वाले लेयर का बात करें तो ये रहा प्रेशर ए पॉइंट पे और ये रहा प्रेशर बी पॉइंट। देख रहे हो 40/R ज्यादा है कि नहीं है, तो एक्सिस प्रेशर कितना 40/R। ले यार चार्जों में नहीं लगाया, जिंदगी में एक तकलीफ होती है। जिंदगी में सारे तकलीफें से भरी हुई है। चलिए छोड़िए है ना, बैटरी लो का नोटिफिकेशन आ जाता है भाई। तो खैर अपने लोगों को सवाल देखना है, सवाल कैसे बनता है, फॉर न्यूमेरिकल्स, फॉर न्यूमेरिकल्स, न्यूमेरिकल के लिए ज्यादा टेंशन नहीं लेना है। सिंपल याद रखिएगा एक्सिस प्रेशर कितना होता है 2T/R, ये होता है सिंगल लेयर के लिए, और एक्सिस प्रेशर बात करें तो 40/R ये होता है डबल लेयर के लिए। ठीक है, ये कुछ स्टार्टिंग में भी लिखे थे, ये सिंगल के लिए और वो डबल के लिए। ले लो टा, सिंगल डबल है ना, दुखी मत होना है ना, दुखी मत होना। आइए कुछ सवाल देखते हैं, कुछ सवाल देखते हैं, कुछ सवाल। जैसे पहला IIT का सवाल, इसको जरूर नोट करना है आपको, ये IIT वाला सवाल आपको जरूर से जरूर नोट करना है। देखो सवाल क्या है, दो बबल्स दोनों का अलग अलग साइज है, दोनों का क्या है अलग अलग साइज, इसको जरूर नोट करना है। दो बबल्स उसका अलग अलग साइज है, एक है क्या, एक का रेडियस ज्यादा है। अच्छा तो रेडियस का फॉर्मूला, प्रेशर का फॉर्मूला 40/R, रेडियस अगर ज्यादा है तो प्रेशर कम होगा, और इसका देखिएगा तो रेडियस कम है, तो रेडियस कम है तो प्रेशर ज्यादा होगा। अगर यहाँ पे वाल्व था उसको ओपन करें तो हवा कहाँ से कहाँ फ्लो करेगा। सर जी आपका फेस लाल टमाटर की तरह लग रहा है, ठीक है इसको सेट करेंगे बाद में है ना। अब सवाल ये है कि अगर यहाँ से वाल्व ओपन करते हैं, वाल्व अगर ओपन करते हैं तो हमारा प्रेशर मतलब हवा कहाँ से कहाँ फ्लो करेगी बताओ। तो बड़ा ही सिंपल है, चूंकि इसका रेडियस ज्यादा है तो प्रेशर कम है, आई थिंक इट्स लो प्रेशर, आई थिंक इट्स लो प्रेशर। और यहाँ का रेडियस कम है तो प्रेशर ज्यादा है, आई थिंक इट्स हाई प्रेशर, तो हवा कहाँ से कहाँ फ्लो करता है, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, यानी कि सारा का सारा हवा यहाँ से निकल के यहाँ चला जाए, सारा का सारा हवा निकल के यहाँ से यहाँ चला जाए। अरे छोटा वाला और छोटा हो जाएगा है, छोटा वाला और छोटा हो जाएगा, बड़ा वाला और छोटा हो जाएगा, बस यही है, यही है, यही है, यही है ना। यानी कि क्या है, अ स्मॉलर विल श्रिंक
जबकि बड़ा वाला और एक्सपेंड होके हो सकता है लास्ट में फट जाए। कब तक? जब तक कि स्मॉलर प्रेशर रिड्यूस टू ड्रॉपलेट्स, मतलब कह सकते हैं दोनों का प्रेशर जब तक सेम नहीं हो जाता। प्लीज इसको याद रखना है, याद रखना है, याद रखना है, याद रखना है, ठीक है। कुछ सवाल हम लाए हैं आपके लिए, जैसे ये क्या आपको दिख रहा है, 2020 का सवाल है, 2020 का सवाल है। प्रेशर इनसाइड टू बबल्स, एक का इतना एक का इतना, ये किसमें है? एटमॉस्फेयर में, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है। ये एक्सेस प्रेशर, तो आपसे पूछ क्या रहा है, रेशियो ऑफ वॉल्यूम। वॉल्यूम मतलब, वॉल्यूम का मतलब क्या होता है बाबा? वॉल्यूम का मतलब क्या होता है? अगर आप वॉल्यूम देखिएगा V1 बाई V2, तो मुझे लगता है 4/3 πr³, और इसका भी देखिएगा तो 4/3 πr²³, ये कितना आ गया, R1/R2³। अब आप ये कैसे निकालिएगा वो देखना है, ठीक है। तो एक्सिस प्रेशर, देखो देखो देखो, प्रेशर जो होता है बबल्स में, एटमॉस्फेरिक प्रेशर अ प्लस वही 2t/r या 4t/r। सॉफ्ट बबल है, बबल है, बबल है, बबल है, तो कितना होगा बच्चा, 40/r। तो देखो P-P0 कितना हो गया, P-P0 40/r। चलो सॉल्व करो, अब हो जाएगा सॉल्व। पहले का प्रेशर देखेंगे तो 1.01 -180 m 4t/r1, यानी कि 0.01 इज इक्वल टू 4t/r1। सेम कहानी दूसरे के लिए कर लीजिए, दूसरे के लिए कितना है, 1.02 - 1 इज इक्वल टू 4t/r2, यानी कि 0.02 इज इक्वल टू 4t/r2। सही किए क्या? आपको चाहिए R1/R2, तो रेशियो करना ज्यादा अच्छा रहेगा, नहीं दोनों को डिवाइड कर दीजिए, 0.01 0.02 इज इक्वल टू 4t/r1 और 4t/r2, है ना। ये रहा पहला, ये रहा दूसरा, जेई मेन का 2020 का सवाल है। 40 ने 40 को मार दिया, क्या बचा, R2/R1, और ये कट के क्या बचा, 1/2 बन गया, लगता है बन गया क्या आपका, कितना आ गया, R2/R1 1/2। आपको यहां V1/V2 के लिए क्या चाहिए, R1/R2 चाहिए ना, R1/R2 चाहिए, तो R1/R2 कितना हो जाएगा, 2/1, जस्ट रेसिप्रोकल, पावर में 3, कितना हो गया, 8:1। सही है क्या, क्या हुआ, तोते उड़ गए, तोते उड़ गए, 2020 का सवाल था, अरे सुजई का सवाल था, तोते उड़ गए। अच्छा देखो कुछ नन्हे मुन्ने भी सवाल है, देखो नन्हे मुन्ने सवाल। एक्सेस प्रेशर इन ए सॉफ्ट बबल तिगुना है दूसरे बबल से, तो उसका वॉल्यूम कितना होगा, ले वही सवाल है क्या, बस पूछने का तरीका अलग है। एक्सेस प्रेशर इन सॉफ्ट बबल तिगुना है दूसरे से, तो पहले का तिगुना है दूसरे से, बबल है तो 40/r, 3 गुना है 40/ दूसरा, है ना। 40 ने 40 को मार दिया, तो मुझे लगता है क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, R2 का मान 3R1। सही लिखे है क्या? अब आपसे पूछ रहा है रेशियो ऑफ वॉल्यूम, वॉल्यूम का रेशियो V1/V2, तो कितना हो जाएगा, R1/R2³। R1 रखने दो, R2 का मान 3R1 लिख दो, पावर 3, R1 R1 कट गया, 1/3³, कितना हो गया, 1/27। गुड मॉर्निंग, बनेगा सारे एक्सेस प्रेशर के सवाल आपसे बन सकते हैं, अगर आप थोड़ा सा थोड़ा सा थोड़ा सा थोड़ा सा ध्यान लगा के बनाए तो, ठीक है, थोड़ा सा ध्यान लगा के बनाए तो, ठीक है बाबा। अब जैसे ये लास्ट सवाल, एक्सेस प्रेशर इनसाइड ए स्फेरिकल सॉफ्ट बबल जिसकी रेडियस भी दी हुई है, बैलेंस किया जा रहा है एक तेल जिस पास के स्पेसिफिक ग्रेविटी पता है और इतना हाइट पता है, तो क्या तुम सरफेस टेंशन बता सकते हो? तो भैया दोनों के कारण प्रेशर सेम कर दो, एक एक्सिस प्रेशर सॉफ्ट बबल, बबल बबल का कितना होता है 40/r, इसको बैलेंस कर दीजिए किससे, रो जी एच, नहीं निकाल सकते,
इधर हो गया 4t/r और इधर हो गया रो जी एच। निकाल लोगे ना, फोर सरफेस टेंशन निकालना है, रेडियस कितना है 1 सेंटी, 1 सेंटी को चेंज कर दो। डेंसिटी तो 0.9 तो स्पेसिफिक ग्रेविटी है, 10^3 ग्रेविटी, और हाइट कितना है 13 1.36 mm, -3 नहीं बनेगा। बोलो रे पापा, ये दोनों कट जाएगा, मतलब आप कैलकुलेशन कर सकते हो, ठीक है, हम नहीं करना चाहते। मैं कुछ VIP सवाल कराता हूँ, दो स्टैंडर्ड क्वेश्चन कराने जा रहा हूँ, दो स्टैंडर्ड। ये इतना स्टैंडर्ड क्वेश्चन है जिसका रिजल्ट याद होना चाहिए। कहा गया एक ये रहा, ये इस क्वेश्चन का रिजल्ट याद होना चाहिए, ठीक है, इस क्वेश्चन का क्या याद होना चाहिए, रिजल्ट क्या होता है। मैं समझो, मैं क्या पढ़ाने जा रहा हूं, मतलब मिक्सिंग ऑफ डो बबल, पीकेटी देने जा रहा हूं मैं, पीकेटी, मिक्सिंग ऑफ डो बबल, दो बबल को मिक्स कर दीजिए। तो मिक्स करने से होता क्या है, दो बबल आया, दोनों एक दूसरे को मिल गया तो कुछ ना कुछ बड़ा बना देगा, है ना, क्या बना देगा, बड़ा बना सकता है ना मिक्सिंग करे तो। लेकिन हाँ, उसके पहले क्या हो, तो एक बबल दूसरा बबल जब मिलने की कोशिश करेगा तो मुझे लगता है इंटरफेस पे कुछ अलग सर परफॉर्म करेगा, बनाएगा क्या। इसका रेडियस अगर R1 है, इसका रेडियस अगर R2 है, तो ये जो बीच में जहां मिल रहा है ना, इसका रेडियस पूछा जाता है, समझे, इसका रेडियस पूछा जाता है, एक्सिस प्रेशर मिक्सिंग ऑफ टू बबल। मैं फोटो लाने का कोशिश कर रहा हूं, देखो 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 देखो, दिखा बढ़िया से, देखो डायग्राम बढ़िया से, देखो डायग्राम दिखाइए, ये डायग्राम दिखा, कर्सर पे ध्यान देना, गुड मॉर्निंग। ये रहा पहला ड्रॉप, ये रहा दूसरा ड्रॉप, जहां पे इंटरफेस होता है, जहां पे इंटरफेस होता है वहां पे अलग से ड्रॉप बन जाता है, अलग सा एक कर्व बन जाता है, और आपसे इसी कर्व का क्या पूछता है, रेडियस, इसी कर्व का क्या पूछता है, रेडियस, समझे, इसी कर्व का क्या पूछता है, रेडियस। तो इसी का रेडियस निकाल लेते हैं जरा, कैसे निकलेगा सर, रुकोगे तब ना, हमने निकालेंगे, काहे टेंशन लेते हो मूरा, घबराओ नहीं मूरा, बस तुम शांति से देखो। ये क्या है, नहीं आएगा फोटो तो जा यहां से, कर क्या रहा, जा फट। जा भाई जा जा जा, तू ना रहेगा बक। देखो दो ट्रिक है, याद रखिएगा, इंटरमिक्स जब करता है तो सबसे पहला कंडीशन एट ऑर्डिनरी केस, ऑर्डिनरी केस, तो जो रेडियस जो होता है ना, क्या होता है, दोनों का प्रोडक्ट, और बड़ा रेडियस माइनस छोटे का रेडियस, ठीक है, बड़ा रेडियस माइनस छोटे का रेडियस, इसका प्रूफ कर दे, प्रूफ कर सकते हैं ना। तो लेट अस सपोज ये रहा पहला सर्कल, ये रहा दूसरा सर्कल, जब मिक्स करता है तो क्या होता है, कर्व के पास पता नहीं कुछ अजीब सा बन जाता है, बन जाता है, जैसे मान लेते हैं ये पहला ये दूसरा, पहला दूसरा, पहला को बड़ा मान लेते हैं, तो बड़ा माने हैं तो इसका रेडियस ज्यादा प्रेशर कम, पहला को अगर आप बड़ा माने हैं तो रेडियस ज्यादा प्रेशर कम, तो पहले का एक्सिस प्रेशर देखोगे तो क्या होगा, P1 - P0 इज इक्वल टू 40/R1, दूसरे का देखिएगा तो P2 - P0 इज इक्वल टू 40/R2। अब देखो ये P1 ज्यादा या P2, साफ साफ बताओ P1 ज्यादा या P2, तो पहले का रेडियस ज्यादा है तो प्रेशर इसका ऑब्वियसली कम होगा, तो P1 कम है, तो एक्सिस प्रेशर इसको बात करोगे तो आपको करना पड़ेगा P2 - P1, हम प्रूफ कर रहे हैं P2 - P1, आपको पता है P2 - P1 कितना होगा, तो P2 का ये इक्वेशन और P1 का ये इक्वेशन, दोनों को घटा दीजिए,
घटा दीजिए, 40 बाई R2 माइनस 40 बाई R1, और इसको लिख दीजिए 40 बाई अपना ओरिजिनल का रेडियस, नया रेडियस, और इसमें एलसीएम लेके सॉल्व कर दीजिए, एलसीएम लेके सॉल्व कर दीजिए। अच्छा, हमको प्रूफ नहीं करना चाहिए था क्या? 40 इधर कितना आ गया, 1 बाई R2 माइनस 1 बाई R, 40 ने 40 को मार दिया, 1 बाई R, एलसीएम ले लीजिए R1 R2, यहाँ पे क्या बचेगा, R1 माइनस R2, रेसिप्रोकल भी कर देना है तो R=R1 R2 और नीचे में R1 माइनस R2। ले भाई, मैंने प्रूफ के साथ आपको दे दिया। मैंने प्रूफ के साथ दे दिया, मैंने प्रूफ के साथ दे दिया। डायरेक्ट सवाल आता है, आप डायरेक्ट लगा सकते हैं। जैसे देखो, सवाल 2021 का है, डायरेक्ट सवाल आता है, डायरेक्ट लगा सकते हैं। बताइए तो इसका आंसर क्या होगा। दो सॉफ्ट बबल रेडियाई ए और बी है, बी का मान ज्यादा है, वो इलीज किया तो रेडियस ऑफ कर्वेचर कॉमन सरफेस पे कितना रेडियस बनेगा, कॉमन सरफेस पे कितना रेडियस बनेगा। तो डायरेक्ट आपको याद हो गया कि दोनों का प्रोडक्ट और नीचे में बड़ा रेडियस माइनस छोटा रेडियस, तो दोनों का प्रोडक्ट बड़ा रेडियस बी है ना, यहाँ पे बड़ा रेडियस कौन सा है, बी। तो रिजल्ट याद रखना तो बहुत आसान है, रिजल्ट याद रखना तो बहुत आसान है, और एक कंडीशन होता है आइसोथर्मल। ये सवाल पढ़ो, दो स्फेरिकल बबल जिसका रेडियस कितना है R1 R2, कंबाइन किया अंडर आइसोथर्मल कंडीशन। दोनों बबल जब मिलता है तो आइसोथर्मल, आइसोथर्मल में कौन सा कंडीशन होता है, PV इक्वल टू कॉन्स्टेंट, तो रिजल्टेंट रेडियस किसके बराबर होगा, है ना। तो दूसरा कंडीशन भी डिस्कस कर ही लेते हैं आपके साथ। एक दूसरा केस होता है आइसो थर्मल कंडीशन, क्या होता है जरा समझिएगा। आइसोथर्मल टेम्परेचर कांस्टेंट, कुछ याद है, हाँ, PV इक्वल टू कॉन्स्टेंट, हाँ PV इक्वल टू कॉन्स्टेंट, तो मतलब PV जो इनिशियल होगा वही PV जो फाइनल होगा। आपको पता है इनिशियल क्या है, इनिशियल दो बबल्स है, इनिशियल क्या है, दो बबल्स है, और फाइनल क्या है, सिंगल बबल्स। तो इनिशियल देखिएगा तो PV पहले का, PV दूसरे का, फाइनल देखिएगा तो PV फाइनल का, नहीं फाइनल देखिएगा तो PV किसका, फाइनल का। पहले का रेडियस कितना मान लेते हैं R1 R2, फाइनल का R। पता है एक्सिस प्रेशर कैसे लिखते हैं, P इंटू V है ना, तो प्रेशर लिखाते हैं 40 बाई R1, और वॉल्यूम कैसे लिखते हैं, 4/3 πr³। सही लिखे है क्या मेरे बच्चे, मैंने सही लिखा है। दूसरे केस में P2 कैसे लिखते हैं बच्चा, फटाफट बताइए। तो P2 कैसे लिखते हैं, 40 बटा R2 इंटू वॉल्यूम कैसे लिखते हैं, 4/3 πr³। फाइनल के केस में कैसे लिखेगा प्रेशर, तो फाइनल के केस में जब प्रेशर लिखने की बारी आएगी तो मुझे लगता है कि आपको लिखना चाहिए 40 बाई R प्रेशर, और वॉल्यूम कैसे लिखेगा, 4/3 πr का होल क्यूब। अब देखो जो कटेगा काट दीजिए, सबसे कट जाएगा टेंशन वाला टर्म, 4/3 π कट जाएगा, कट जाएगा ना, यहां से तो R1 भी कट जाएगा, क्या बचेगा, R1 का होल स्क्वायर, और यहां पे भी R2 कट जाएगा, क्या बचेगा, R2 का होल स्क्वायर, और इधर क्या बचेगा, सिर्फ R स्क्वायर। ये कंडीशन हो गया आइसोथर्मल। एक जगह रिजल्ट लिखा दे, एक जगह रिजल्ट लिखा दें, क्या फिर हुआ कैसे, जैसे एक सवाल का जवाब दे दो फटाफट, क्या होगा इसका आंसर, पहले तो इसका आंसर दे दो। ये भी 2021 में ही आ गया जेई मेन में, ये दोनों इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत इंपॉर्टेंट। क्या होगा, दो बबल है रेडियाई R1 एंड R2, कंबाइन किया तो, कंबाइन किया तो आर स्क्वायर कितना होता है, R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर। ठीक है, R1 का स्क्वायर और R2 का होल स्क्वायर।
आप समझिए हम इसका रिजल्ट लिखा रहे हैं, बस छोटा सा समय, छोटा सा जगह चाहिए इसके लिए, ज्यादा नहीं। ध्यान से सुनना, दो बबल्स मिक्स है ना, तो सबसे पहला नॉर्मल कंडीशन, सबसे पहला नॉर्मल कंडीशन। तो नॉर्मल कंडीशन पे जब मिलता है तो आपको पता है रेडियस का इक्वेशन क्या होता है, तो दोनों का प्रोडक्ट बटा बड़ा रेडियस माइनस छोटा रेडियस, याद रह गया। दूसरा दूसरा क्या है आपका, आइसोथर्मल कंडीशन। तो आइसोथर्मल कंडीशन तो हमको लगता है पाइथागोरस सेटिस्फाई किया, पाइथागोरस रे बाबा, तो आर का स्क्वायर इज इक्वल टू आर वन का स्क्वायर प्लस आर टू का होल स्क्वायर, ये दो रिजल्ट आपको याद रखने हैं, ठीक है, ये दो रिजल्ट आपको याद रखने हैं। समझे, इसी के साथ हमारा एक्सिस प्रेशर खत्म होता है और जितने भी क्वेश्चन है सब आपको बनाना है, क्वेश्चन तो हम सेंड कर ही देंगे, ठीक है बाबा, ठीक है। इसी के साथ हम लोग का अगला टॉपिक होता है एंगल ऑफ कांटेक्ट, और इसके बाद बचता है बस एक, अप थ्रस्ट बायोन्सी आर्कमेटिक प्रिंसिपल, सब एक ही चीज है ना। आपको पता है एंगल ऑफ कांटेक्ट क्या होता है, एंगल ऑफ कांटेक्ट, तो कांटेक्ट एंगल समझने के लिए जरा फोटो देख लेते हैं, कांटेक्ट एंगल, कांटेक्ट एंगल समझना चाहते हैं तो बहुत ही अच्छे से समझिए, है ना। लिक्विड के ड्रॉप ऑन कमल का फूल, देखे हो, आई मेरा नाम ही है कमल, कमल का फूल देखे हो, कमल के फूल पे पानी कैसे होता है, कमल के फूल पे पानी कैसे होता है, दिखा तुमको, कमल के फूल पे पानी कैसे होता है, ऐसा ही होता है क्या, कमल के फूल पे पानी मेरा नाम है कमल, कमल के फूल पे पानी, हाय रे हाय, क्या पानी है, पानी रे पानी तेरा रंग कैसा, यही कंसेप्ट समझना है। और कभी कागज पे पानी देखो, कागज पे पानी तो पसर जाता है पूरी तरह से, क्या हो जाता है, पसर जाता है ना। तो देखो मेन डायग्राम ये है, मेन डायग्राम आपका ये है, इसको समझ लिए तो काम हो गया, अरे डाउनलोड हो गया। तो समझिए एंगल ऑफ कॉन्टेक्ट हम क्या करना चाहते हैं, एंगल ऑफ कॉन्टेक्ट क्या समझना चाहते हैं, एंगल ऑफ कॉन्टेक्ट आपको ये समझना है कि इट इज द एंगल, इट इज द एंगल, ये देख लो लिक्विड का ड्रॉप कैसे कैसे होता है, ये तो गलत डायग्राम आ गया, हम लोग सिलेबस का नहीं है। चलो देखो डेफिनेशन समझिए, ये क्या होता है एंगल ऑफ कॉन्टेक्ट डिफाइन एज, कौन सा एंगल जरा देखना, एंगल दैट द टेंजेंट ऑफ लिक्विड सरफेस, लिक्विड सरफेस का टेंजेंट, लिक्विड सरफेस का टेंजेंट और पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट सॉलिड सरफेस, पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट सॉलिड सरफेस। सर समझे भी नहीं आया, 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 पाका बोले हमको ना समझ में आया। जैसे मान ले ये सरफेस अपना, इस पे लिक्विड कैसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है गोल, गोल भी डायग्राम दे, इट मे बी पॉसिबल कि इस पे लिक्विड ऐसे रहे और इट मे बी पॉसिबल कि इसमें लिक्विड कैसा रहे, पसर जाए, नहीं आप समझिए क्या हम करना चाहते हैं, एक तो लिक्विड सरफेस का टेंजेंट, एक तो लिक्विड सरफेस का टेंजेंट, और एक कौन सा टेंजेंट, सॉलिड सरफेस, सॉलिड सरफेस याद रखना अंदर की तरफ, ठीक है, सॉलिड सरफेस हमेशा अंदर की तरफ, सॉलिड टेंजेंट, दोनों के बीच में जो एंगल होता है दिस इज कॉल्ड एज कॉन्टैक्ट एंगल,
दोनों के बीच में जो भी एंगल होता है दिस इज कॉल्ड एज कॉन्टेक्ट एंगल। कोई दिक्कत? दिस इज कॉल्ड एज कॉन्टेक्ट एंगल, बस यही कहना चाहते हैं। और इसमें देखो, इसमें क्या होगा, इसमें अगर सॉलिड सरफेस का टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो ऐसे ड्रॉ करेंगे ना, और इसका लिक्विड का टेंजेंट ऐसे। डायग्राम देख लो स्टैंडर्ड वाला, याद करना में आसानी हो जाएगा आपको। इसको बढ़िया समझ लीजिए, एक है सॉलिड सरफेस का टेंजेंट, सॉलिड सरफेस ये रहा अंदर वाला, ये पतला क्यों चल रहा है? गजब, हमको लिक्विड के अंदर ड्रॉ करना है, बाहर की तरफ नहीं जाना, ठीक है? एक रहा सॉलिड सरफेस अंदर की तरफ और एक रहा लिक्विड अंदर की तरफ। तो मुझे लगता है ये ऑब्ट्यूस एंगल है, ये जो एंगल बना है, ये जो एंगल बना है 90 से ज्यादा, इसको क्या कहेंगे? ऑब्ट्यूस, है ना? और इसमें देखोगे तो बेटिबिलिटी डिक्रीज या इंक्रीज, तो इसमें बेटिबिलिटी भीगने की क्षमता डिक्रीज होती है ना, कमल के पत्ता पे ऐसे ही लिक्विड होता है तो कमल का पत्ता भींगता नहीं है, बेटेबिलिटी डिक्रीज ना। तो जब कभी भी ऑब्ट्यूस एंगल बने तो बेटेबिलिटी डिक्रीज समझना, ठीक है? जब कभी भी ऑब्ट्यूस एंगल बने तो बेटेबिलिटी क्या समझना है? डिक्रीज। अब जैसे एक और है, ऐसा सब बने तब, ऐसा अगर डायग्राम बनता है तब क्या होगा? डायग्राम जरूर बनाइएगा। एक हो गया कौन सा? सॉलिड टेंजेंट, और एक कौन सा हो गया? लिक्विड वाला टेंजेंट। इसमें एंगल क्या बना? ऑब्ट्यूज या एक्यूट? तो इसमें जब एंगल का बात करेंगे तो एंगल तो इसमें एक्यूट बना। तो जब कभी भी एक्यूट एंगल बने और ऐसा बनता है कागज के पन्ना पे तो बेटेबिलिटी इंक्रीज ना, भींग जाएगा जल्दी, और उसमें क्या है? बेटेबिलिटी डिक्रीज। बेटेबिलिटी डिक्रीज मतलब वाटर प्रूफ। हाँ, वाटर प्रूफिंग, वाटर प्रूफिंग जो किया जाता है यही कंसेप्ट ही है। बेटेबिलिटी का मतलब क्या हुआ? भींगने का क्षमता। बेटेबिलिटी इंक्रीज मतलब वो सोख लेगा, सोखता है ऐसे। बेटेबिलिटी डिक्रीज, अगर डिक्रीज हो रहा है बेटेबिलिटी, सोख नहीं लेगा जैसे केला के पत्ता। इसमें अगर कॉन्टैक्ट एंगल देखिएगा तो कैसा दिखेगा? तो कॉन्टैक्ट एंगल एक अंदर की तरफ एक बाहर की तरफ लग रहा है 90 डिग्री, लग रहा है ना 90 डिग्री। 90 डिग्री से ज्यादा होगा, सिंपल याद रखिएगा, 90 डिग्री से ज्यादा ऑब्ट्यूस एंगल बेटेबिलिटी डिक्रीज, 90 डिग्री से कम एक्यूट एंगल बेटेबिलिटी इंक्रीज, ठीक है? कुछ डाटा याद रखिएगा कि जब सॉप या डिटर्जेंट को ऐड करते हैं पानी में तो कॉन्टैक्ट एंगल क्या होता है? बिकम्स स्मॉल, मतलब इंप्योरिटी मिलाते हैं, मतलब क्या हुआ, कंसेप्ट क्या हुआ? कॉन्टैक्ट एंगल इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू अमाउंट ऑफ इंप्योरिटी। इंप्योरिटी आप मिलाते जाइए, कॉन्टैक्ट एंगल घटाते जाइए, ठीक है? इंप्योरिटी मिलाते जाइए, कॉन्टैक्ट एंगल घटाते जाइए। एनी प्रॉब्लम? बहुत बढ़िया। अब जो सेप बनता है मिनिस्कस का वो समझ लेते हैं, है ना? मिनिस्कस का सेप कैसा बनता है? तो मिनिस्कस का सेप बहुत ही अच्छा है, जरा देखो। तीन चार डायग्राम है बस, एक डायग्राम, दो डायग्राम, तीन डायग्राम। इसमें भी सरफेस टेंशन डिफाइन किया जा रहा है, इसमें भी क्या किया जा रहा है? सरफेस टेंशन ही डिफाइन किया जा रहा है, ठीक है? बस बढ़िया समझ लीजिए, समझ लोगे मुड़ा तो काम हो जाएगा मुड़ा। हालांकि हम बहुत बड़ा बना दिए हैं, होता बहुत छोटा है, बहुत छोटा होता है, हम बहुत बड़ा बना दिए। तो खैर, एक तो ऐसा हो सकता है कि जब इसमें लिक्विड भरे तो वो हमेशा 90 डिग्री बना ले, जैसे ही इस कैपिलरी ट्यूब के अंदर पानी भरे तो वो 90 डिग्री बना ले। और एक ऐसा हो सकता है कि भैया ये ऐसे एक्यूट एंगल बनाए, हाँ ना? एक ऐसा हो सकता है कि एक्यूट एंगल बनाए, और एक ऐसा हो सकता है कि वो कैसा बनाए? ऑब्ट्यूस एंगल बनाए। किसमें बेटिबिलिटी इंक्रीज और किसमें डिक्रीज? तो पहले हम लोग डिफाइन कर लेते हैं कॉन्टैक्ट एंगल। कॉन्टैक्ट एंगल का डेफिनेशन फिर से याद करो, इट इज द एंगल बिटवीन लिक्विड टेंजेंट एंड सॉलिड टेंजेंट। लिख दे क्या डेफिनेशन? नहीं लिखे, लिख देते हैं।
इट इज द एंगल बिटवीन कौन सा चीज, लिक्विड टेंजेंट एंड सॉलिड टेंजेंट, लिक्विड टेंजेंट एंड सॉलिड टेंजेंट। और सॉलिड टेंजेंट हमेशा याद रखिएगा इनसाइड द लिक्विड, लिक्विड के बाहर मत सोचना, इनसाइड द लिक्विड। ठीक है, अब देखो ध्यान से क्या क्या किए हम इस ट्यूब के साथ क्या कर रहे हैं, पूरा कंसेप्ट याद रखिए भाई, पूरा कंसेप्ट। पहले टेंजेंट ड्रॉ कर देते, क्या ये सॉलिड टेंजेंट रहा, थोड़ा सा बड़ा बनाते हैं देखना, क्या ये सॉलिड टेंजेंट रहा और ये लिक्विड टेंजेंट रहा, ये रहा एल टी लिक्विड टेंजेंट, ये रहा सॉलिड टेंजेंट, क्या इसमें कैपिलरी एंगल 90 डिग्री है ना, क्या ये सॉलिड टेंजेंट रहा और ये रहा लिक्विड टेंजेंट और ये रहा लिक्विड टेंजेंट, क्या इसमें कैपिलरी एंगल 90 डिग्री से कम है, इसको एक्यूट कहेंगे। इसमें क्या लग रहा है, पानी ऊपर चढ़ने का कोशिश कर रहा है ना, बी वाले में क्या लग रहा है आपको, पानी ऊपर चढ़ने का कोशिश कर रहा है, तो पानी जब ऊपर चढ़ने का कोशिश करेगा तो इसमें बेटेबिलिटी क्या होगा, बेटेबिलिटी इंक्रीज। सर पहले भी तो यही था, एक्यूट में बेटेबिलिटी इंक्रीज, देखो पहले में भी यही था एक्यूट में बेटेबिलिटी इंक्रीज और अभी भी वही है, एक्यूट का मतलब बेटेबिलिटी इंक्रीज। और इसमें क्या हो रहा है, पानी ऊपर चढ़ने का कोशिश नहीं कर रहा, तो ये रहा सॉलिड टेंजेंट और ये रहा लिक्विड टेंजेंट। इसमें अगर दोनों के बीच में एंगल देखेंगे तो मुझे लगता है ये एंगल 90 से ज्यादा है, तो 90 से ज्यादा है तो ये हो गया ऑब्ट्यूज, ये क्या हो गया ऑब्ट्यूज, तो ऊपर चढ़ने का कोशिश नहीं कर रहा लिक्विड, तो इसको कहेंगे बेटेबिलिटी डिक्रीज। बोलिए हाँ है ना, क्लियर है, बेटेबिलिटी डिक्रीज। एक कंसेप्ट और है, इसमें ऊपर की तरफ है ना, इसमें कनकेव किधर है, नीचे से या ऊपर से, तो गुफा तो नीचे की तरफ से, इसमें कनकेव किधर से, तो कनकेव ऊपर की तरफ से है ना, कनकेव समझते हो, जिधर से देखने से गुफा लगे, जिधर से देखने से गुफा लगे, तो इधर से देखिएगा तो हाँ कनकेविटी है और इधर से देखिएगा तो कन्वेक्सिटी है ना, तो इसमें हम कह सकते हैं कनकेव मिनिस्कस बना, कनकेव मिनिस्कस बना, और इसमें क्या कहेंगे कन्वेक्स मिनिस्कस। ऊपर से देखो, ऊपर से देखो, ऊपर से देखो, ऊपर से देखो, अगर गुफा दिखे तो कनकेव है ना, तो जैसे बी नंबर देखो, इसको अगर ऊपर से देखेंगे तो, ऊपर से देखेंगे तो हमको गुफा सच में दिख रहा है, दिख रहा है ना, तो गुफा दिख रहा है तो कॉमन सी बात है, ये है कनकेव मिनिस्कस और ये क्या है कन्वेक्स मिनिस्कस। कोई दिक्कत, तुमसे डायरेक्ट सवाल पूछता है कि कनकेव मिनिस्कस में क्या होता है, पेटेबिलिटी इंक्रीज या डिक्रीज, सीधा 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 सीधा, अगर सवाल आया तो कनकेव मिनिस्कस में क्या होता है, पेटेबिलिटी इंक्रीज, दिमाग में आना चाहिए, कनकेव मिनिस्कस, गुफा दिखेगा ना ऊपर से, लिक्विड का सरफेस ऊपर चढ़ना चाहेगा, बेटेबिलिटी इंक्रीज। कन्वेक्स मिनिस्कस ऊपर से ऐसा दिखेगा तो लिक्विड ऊपर नहीं चढ़ना चाहेगा, नीचे आना चाहेगा, बेटेबिलिटी डिक्रीज। तुमसे ये डायरेक्ट पूछता है कि अगर ऑब्ट्यूस एंगल है तो बेटेबिलिटी इंक्रीज या डिक्रीज, फटाफट जवाब। अगर ऑब्ट्यूस एंगल है, अगर ऑब्ट्यूस एंगल है तो कैसे डिसाइड करना है, बड़ा सिंपल, ऑब्ट्यूस का मतलब ऐसे ले ऊपर नहीं चढ़ना चाह रहा, बेटेबिलिटी डिक्रीज। देखो गलती नहीं होना चाहिए यार, गलती नहीं होना चाहिए। चलो मैं देता हूं, अगर ये कनकेव मिनिस्कस है, अगर कोई लिक्विड सरफेस कनकेव मिनिस्कस है तो उसका कैपिलरी एंगल कितना होगा, 90 से बड़ा छोटा, चलो बताओ, अगर वो कनकेव मेनिस्कस है तो कैपिलरी एंगल 90 से बड़ा या छोटा, ऐसे थ्योरेटिकल सवाल, तो चुपचाप बनाना सीख लो। कनकेव मेनिस्कस है मतलब ऊपर से देखेंगे तो गुफा दिखेगा ऐसा, इसमें तो एंगल 90 डिग्री से कम है, बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुंदर। और मान लेते हैं अगर ऑब्ट्यूस एंगल है तो कनकेविटी कैसा होता है, अगर कोई लिक्विड सरफेस ऑब्ट्यूस एंगल बना रहा है तो कॉनकेविटी कैसा होता है, बेटेबिलिटी इंक्रीज। अगर कोई ऑब्ट्यूस एंगल है तो कॉनकेविटी कैसा होता है,
बहुत अच्छा। ऑब्ट्यूज मतलब 90 से ज्यादा, ऐसा है ना, देखो 90 से ज्यादा, तो 90 से ज्यादा है बिटेबिलिटी डिक्रीज और ऑब्ट्यूज एंगल, और कैसा होगा ऊपर से देखेंगे तो कन्वेक्स दिखेगा। तो ये चीजें हैं, बस इसी चीज को घुमा घुमा के पूछता है, समझे, इसी चीज को बस आपसे घुमा घुमा के पूछता है, बहुत ज्यादा घुमा घुमा। ठीक है, क्या आपको क्लियर है? बहुत ही अच्छा, बहुत ही अच्छा, बहुत ही अच्छा, बहुत ही अच्छा। तो आप समझो दो चीजें, पानी में अगर किसी ट्यूब को डाल देंगे तो उसका लेवल थोड़ा सा बढ़ जाता है, मान लेते हैं कितना हाइट बढ़ा h, लेकिन वही मरकरी में डालेंगे तो मरकरी क्या करता है, फॉल करा देता है, क्या कराता है, फॉल कराता है, कितना h से। तो अब हम लोग पढ़ रहे हैं कैपिलरी हाइट, कि जैसे ही जैसे ही जैसे ही जैसे ही किसी भी ग्लास ट्यूब को, लिखा हुआ कि अगर कैपिलरी ट्यूब ग्लास को डिप कर देते हैं लिक्विड सरफेस पानी के कारण तो कुछ राइज कर जाता है, लेकिन वही ट्यूब को हम डाल देते हैं मरकरी में तो वो क्या कर जाता है, फॉल कर जाता है। इस फेनोमेना को, राइज या फॉल को क्या कहते हैं, कैपिलरी, और जो एंगल होता है उसको कहेंगे कैपिलरी, सॉरी जो हाइट होता है उसको कहते हैं कैपिलरी हाइट, क्या कहते हैं, कैपिलरी। कुछ एग्जांपल देख सकते हो, अ स्मॉल कैपिलरी इन फाइबर ऑफ टॉवल सोक्स वाटर फ्रॉम अवर स्किन, स्नान किए हो ना, तौलिया से शरीर पोछे हो ना नहाने के बाद, तो हुआ क्या, कप तौलिया का जो फाइबर होता है वो हम लोग के शरीर से जो चिपका हुआ रहता है पानी उसको सोख लेता है, कैपिलरी से अपनी तरफ खींच लेता है ना, जितना खुरदुरा रहे तौलिया, जितना खुरदुरा रहे उतना जल्दी सोख लेता है, वही नया नया तौलिया रहता है तो मुलायम रहता है, तो मुलायम रहता है तो वो अच्छे से सोख नहीं पाता है ना, आराम से लगा लो फिर हटाओ तो पानी ही पानी है रे, फिर लगा लो पानी ही पानी है रे, नया तौलिया रहे तो। महिलाओं को देखो उनका जब बाल बाल जब धोती है तो भाई साहब सुखाने के लिए तोते बहुत मेहनत करना पड़ता है, अब तो आ गया हेयर ड्रायर, सीधे लगाओ कनपट्टी पे और चलाते रहो, वही 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 आवाज कर रहा है, सूख रहा है ना, लेकिन सरफेस टेंशन कैपिलरी के कारण क्या लगता है, उसमें इतने लंबे लंबे बाल होते हैं, उसमें जो पानी के पोर होते हैं तौलिया से, मतलब तौलिया को ऐसे करने से क्या सारा पानी आ जाएगा तौलिया में, नहीं, तो महिलाएं क्या करती है, मुरट्ठा जैसा बांध देती है माथा पे, नहीं देखो ना, अरे खान सर वीडियो भी डाले थे इसमें, अरे नहीं देखे थे क्या आप, खान सर वीडियो भी डाले थे इसमें, आए दे यार कोई नहीं देखा है ना, तो पहले तो पोछ लिया, पूरा साफ नहीं हुआ, पूरा पानी नहीं निकलता है तो फिर क्या होता है ना, फोटो जरूर होगा, सरफेस टेंशन, सरफेस टेंशन ऑन हेयर, ये सारे प्रॉपर्टी है किसके, बालों के, देखो एक 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 तो यही है सरफेस टेंशन के कारण, जैसे ही है ना ब्रश को बाहर निकालते हैं तो वो अपने आप को शेप छोटा ले लेता है, और जैसे ही पानी के अंदर जाता है तो फैल जाता है, सरफेस टेंशन का प्रॉपर्टी क्या होता है, वो अपने आप को छोटा एरिया में कन्वर्ट करना, ठीक है, चलो ना होगा फोटो, पता ना खान सर कहाँ से फोटो लाते थे, नहीं है चलो छोड़ो, फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला क्या होता है कैपिलरी राइज का, अगर आपको पता है तो बता दो फटाफट, फॉर्मूला क्या होता है कैपिलरी राइज का, फॉर्मूला क्या होता है कैपिलरी राइज का, तो कैपिलरी राइज का सिंपल सा फॉर्मूला होता है हाइट, कौन सा हाइट, जो ट्यूब राइज किया है ना, ध्यान समझना, एक डायग्राम बनाते हैं, ये रहा, इसमें हम क्या डाल रहे हैं आपको, एक छोटा सा ट्यूब, एक ट्यूब डाल दिया, तो हमें एक बात बताइए,
कि जैसे ही इसमें अगर मान लेते हैं हरा हरा पानी रहा, हरा हरा पानी रहा, तो क्या पानी थोड़ा सा ऊपर जाएगा? पानी थोड़ा सा ऊपर जाएगा। हमको यही हाइट निकालना, हमको इसी हाइट का एक्सप्रेशन चाहिए। तो हाइट का एक्सप्रेशन क्या होता है? 2t cos थीटा, नीचे में रो जी आर। आर क्या है? ट्यूब का रेडियस। आर क्या है? ट्यूब का रेडियस। और अगर हम कैपिलरी जो ऊपर बनता है उसके टर्म में लिखना चाहें तो सिंपल रो जी आर लिखना चाहेंगे। ये किसका है? तो मिनिस्कस का रेडियस है। ये किसका रेडियस है? मिनिस्कस का रेडियस है। ठीक है। अच्छा, इट मे बी पॉसिबल कि हम इस ट्यूब को थोड़ा सा टेढ़ा कर दें। इट मे बी पॉसिबल कि मेरे को चूल मच रहा है, मैं इसको थोड़ा सा टेढ़ा कर दूं। तो टेढ़ा करने से होगा क्या? कुछ नहीं होगा, पानी तो राइज करेगा। टेढ़ा करने से, अरे यार, टेढ़ा करने से क्या होगा? पानी तो राइज करेगा ही, नीचे का चला जाता। टेढ़ा करने से क्या होगा? पानी तो राइज करेगा ही, लेकिन वही है, वही है, वही है। अब इसमें जो लेंथ होगा पानी का, मुझे एक बात बताओ, ये थोड़ा ज्यादा राइज करेगा। याद रखिएगा, हाइट वही राइज करना है, हाइट वही राइज करेगा जो फॉर्मूला है। हाइट, देवी जी, हाइट वही राइज करेगा। हाँ, ये अलग बात है कि लेंथ थोड़ा ज्यादा राइज करेगा, है ना? लेंथ थोड़ा ज्यादा राइज करेगा। तो अगर ये एंगल दिया रहेगा या वर्टिकल से एंगल दिया रहेगा तो नहीं निकाल सकते। मुझे लगता है एल का कॉस थीटा नहीं, साइन थीटा ना, एल का साइन थीटा ही एच कंपोनेंट है। तो लेंथ निकालना रहेगा तो क्या हो जाएगा? एच बटा साइन थीटा, एच बटा साइन थीटा। इट मे बी पॉसिबल कि वो वर्टिकल से एंगल दिया रहे तो एच बाई कॉस थीटा हो जाएगा, है ना? वर्टिकल से दिया रहेगा तो कितना हो जाएगा? एच बाई कॉस थीटा। और एच का फॉर्मूला हमेशा वही रहेगा, 2t cos थीटा बाई रो जी आर। अब समझो फॉर्मूले का संधि विच्छेद, संधि विच्छेद बहुत इंपॉर्टेंट। जो हाइट राइज किया है उसका फॉर्मूला क्या है? 2t cos थीटा और नीचे में रो जी आर। इसका रेडियस के साथ क्या संबंध? हाइट का रेडियस के साथ क्या संबंध है? बस वो रेडियस वाला पता है, टर्मिनल वेलोसिटी से रेडियस का कंसेप्ट आ रहा है। टर्मिनल वेलोसिटी आर स्क्वायर, फोर्स आर क्यू, पावर आर का पावर 4, एक्सेस प्रेशर आर का इनवर्सली, वॉल्यूम जो होता है आर का क्यू के डायरेक्टली, बर्गडन जो होता है आर स्क्वायर के डायरेक्टली, हाइट जो होता है आर के इनवर्सली। भाई साहब, ये रेडियस का सवाल बहुत है, बहुत है रेडियस का सवाल। रेडियस का सवाल कैसे पूछेगा? कभी मास बढ़ा देगा, कभी मतलब क्या कर देगा, वॉल्यूम, कभी एरिया, कभी कोलैप्स करवा देगा, है ना? अच्छा, ट्यूब में पानी चढ़ा ना मेरे बच्चे, ट्यूब में हरा हरा पानी चढ़ा, ट्यूब में हरा हरा पानी चढ़ा, कितना मास चढ़ा ये कौन बताएगा? मास कितना चढ़ा? मास ऑफ लिक्विड इन ट्यूब, ट्यूब में कितना मास पानी का चढ़ा बताओ। तो मास निकालना है तो मास को डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, मास को क्या लिख सकते हैं? डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। और वॉल्यूम को क्या लिख सकते हैं? एरिया इंटू हाइट, लेंथ। डेंसिटी, एरिया कितना हो जाएगा? वो पाई आर स्क्वायर। और हाइट कितना हो जाएगा? 2t cos थीटा, नीचे में रो जी आर। जो कटेगा काटिए, नहीं कटेगा छोड़िए, सिर्फ एक ही चीज कटेगा, उसको कहते हैं रेडियस। कितना आ गया देखा जरा, डेंसिटी भी कट जाएगा। कितना जाएगा? 2t cos थीटा, पाई भी रहेगा और नीचे में जी इंटू आर। तो ये मास देखो भाई, मास भी रेडियस के डायरेक्टली आ गया मेरे भाई। क्या मास भी रेडियस के डायरेक्टली आ गया? मतलब समझ रहे हो, रेडियस वाला सवाल बहुत है, स्टार्टिंग से आ रहा है ना? रेडियस का सवाल स्टार्टिंग से आ रहा है। मैं एक जगह लिखने का कोशिश करता हूं, अगर आपको याद आएगा ना, सब एक जगह याद आ जाएगा। अगर आपको याद आ जाएगा तो ध्यान समझिए, स्टार्टिंग से आ रहा है। सबसे पहला टर्मिनल वेलोसिटी था आर स्क्वायर के प्रोपोर्शनल, विस्कस फोर्स था आर का क्यू के प्रोपोर्शनल, फिर पावर था आर का पावर 5, है ना? था 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 था
फिर वर्क डन जो सरफेस एनर्जी बात की है, टी इंटू सरफेस एरिया, ये आर स्क्वायर के प्रोपोर्शनल। एक्सेस प्रेशर का बात की है, ये आर के इन्वर्सली। अभी अभी हाइट का बात की है, ये भी आर के इन्वर्सली। मास का बात की है, ये आर के डायरेक्टली। देख लो भाई कितने सारे जगह थे इसी चैप्टर में सिर्फ। कितना जगह था ये सब सवाल, था कि नहीं था? अगर तुमको याद है स्टार्टिंग से पढ़ रहे हो तो। था कि नहीं था नवनीत? बस तुमको भेजे में रखना चाहिए। और रेडियस वाला सवाल कैसे बनता है? टाइनी ड्रॉप मिलके बड़ा ड्रॉप बनाया। एक का एरिया दिया हुआ है तो रेडियस निकालेंगे, मास दिया है तो रेडियस निकालेंगे, मास डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, फिर वॉल्यूम दिया है उससे रेडियस निकालेंगे, एक्सेस प्रेशर, मतलब कुछ भी करके सवाल तुमसे पूछा जा सकता है। तो ये तो हाईली इंपॉर्टेंट हो गया ना। आइए कुछ सवाल करते हैं, आइए कुछ सवाल करते हैं, कुछ सवाल करते हैं, कुछ सवाल करते हैं। ये सब सवाल तुम बना लोगे। है ना, ये सवाल तुम बना लो, ये सब सवाल तुम बना लोगे, बना लोगे, बना लोगे, बना लो। देखो देखो देखो, बहुत अच्छा अच्छा सवाल है, बहुत अच्छा अच्छा सवाल। पहला दिख रहा है आपको क्या है? वाटर राइज एच हाइट। वाटर राइज कितना हाइट? एच हाइट। तो एच हाइट राइज किया तो उससे क्या हो? अगर लेंथ जो है ट्यूब का एब द सरफेस इज मेड लेस देन हाइट। जा जा जा, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, छूटना नहीं चाहिए, इसीलिए सवाल भी रहे। सवाल क्या है कि एक ट्यूब था, इसमें कैपिलरी राइज था एच हाइट। हम क्या किए, ट्यूब का हाइट में घटा दिए, तो क्या पानी ओवर फ्लो करेगा? पहले वो एच हाइट उठना चाह रहा था पानी, अब एच से कम है, अब एच से कम है, तो क्या पानी ओवर फ्लो कर जाएगा? पानी ओवरफ्लो करा जाएगा क्या? ट्यूब ओवर, ये क्या? है ना, ये समझो डायग्राम मिल गया तुमको, हमको डायग्राम मिल गया। हमको डायग्राम मिल गया रे बाबा, हमको डायग्राम मिल गया। देखो ये दिखा, दिखा डायग्राम, देवी जी देवा जी, डायग्राम दिखा तुमको कि जब कभी भी रेडियस को आप आधा करते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि ओवरफ्लो करेगा, ना 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 ना, वो ऊपर जाके वो परफेक्ट, ऊपर जाके वो परफेक्ट क्या बना लेता है? स्फीयर बना लेता है, गिरता मिरता नहीं है, क्या बना लेता है? स्फीयर बना लेता है। ऐसे याद रखना है कि जैसे ही एच हाइट राइज करेगा, कर दे तो कोई दिक्कत नहीं है, पर जैसे ही ऊपर राइज पूरा कर गया तो इसका मतलब ये नहीं कि ओवरफ्लो करेगा, ना 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 ना, ऊपर जाने के बाद ये शेप ले लेगा स्फीयर की तरह, सर्कल की तरह, स्फीयर की तरह ये शेप लेना शुरू कर, पर गिरेगा नहीं, बस ये याद रखिएगा। तो वाटर राइज करेगा अप टू टॉप ऑफ कैपिलरी एंड स्टे विदाउट ओवरफ्लोइंग। ओवरफ्लो नहीं होता, ठीक है, ओवरफ्लो नहीं होता। ये सवाल तो बता दिए थे ना आपको, 126 बताइए तो। 126 जो बेटिबिलिटी होता है सरफेस बाय ए लिक्विड डिपेंड करता है सबसे ज्यादा किस पे? बेटिबिलिटी मुझे लगता है एंगल पे डिपेंड करता था ना, नहीं? बेटिबिलिटी बढ़ेगा घटेगा कॉन्टैक्ट एंगल पे, 90 से बड़ा है कि छोटा है, कंकेव बन रहा है या कन्वेक्स बन रहा है, ये बताओ। 120 कैपिलरी ट्यूब जिसका रेडियस आर है इमर्ज इन ए वाटर, पानी राइज किया कितना हाइट एच, मास कितना है ट्यूब के अंदर? चलो मास वाला सवाल, मास वाला सवाल, मास वाला सवाल कि ट्यूब में जब पानी ऊपर राइज कर रहा है तो मास कितना है? 5 ग्राम, मात्र 5 ग्राम। तो मास वाला सवाल याद है, मास जो था रेडियस पे डायरेक्टली था ना। आगे पढ़ते हैं, अनदर ट्यूब रेडियस 2R,
पहले का रेडियस आर, बाद में टू आर, रेडियस डबल। पहले का रेडियस आर था, बाद में टू आर, रेडियस डबल, रेडियस डबल, रेडियस डबल। तो जब रेडियस डबल तो मास भी डबल, मास भी डबल। तो पहले 5 ग्राम था तो डबल हो जाके कितना होगा, 10 ग्राम। आंसर क्या है? गाय, गाय हमारी माता है ना। हम लोग बचपन में गाना गाते थे, गाय हमारी माता है। भाई साहब, गाय की क्या देखभाल होती थी हम लोग के गांव में, शहर में तो नहीं होता। गाय, हमको याद है ठंडा के मौसम में है ना, जब गाय का दूध दुहाता था ना, तो दादी चाल चलती थी। मेरी दादी जो थी ना, चाल चलती थी, पता है कौन सा चाल? जाओ गिलास लेके जाओ। आह, मेरे पास गिलास था अपना, एक स्पेशल गिलास, गिलास लेके जाओ, दूध इसी में पीना। काहे पीते थे? काहे कि जब जैसे ही गाय से दूध निकलता था और पीने से यहाँ पे मोच बनता था। नहीं, तुम लोग अगर पियो तो तुमको पता होगा कि जैसे ही गाय से दूध निकला तुरंत पी लो, भाई साहब यहाँ मोच बनता था। हाय, उसके चलते लोटा का लोटा दूध पीते थे। गरम भी रहता था, बस उस मोच के चलते लोटा का लोटा दूध पीते थे। मजा आता था यार, वो सब भी क्या जिंदगी थी। अब कहाँ मिलता है? अब भाई ऐसा है कि दूध ओरिजिनल मिल जाए बिना पानी का, यही बड़ी बात है ना। वैसे है ना, एक किताब में हम पढ़े थे कि एक प्रकार से एक श्राप है। श्राप ये है कि डेयरी प्रोडक्ट अगर आपको ओरिजिनल मिल जाए तो आप किस्मत वाले। अगर आपके घर में है गाय तब आपको ओरिजिनल मिल सकता है, लेकिन आप कहीं मार्केट से ले रहे हैं तो डेयरी प्रोडक्ट कुछ भी, दूध दही मक्खन, कुछ भी ओरिजिनल नहीं मिलेगा, घी ना। हाय, वो भी क्या दिन थे यार। हाय हाय हाय, मतलब स्टार्टिंग हुआ था किससे, ग्लास से है ना। इतना ग्लास था, कम से कम 250 ml आटा था उसमें। फिर जब मोच बनने लगा भाई साहब, फिर लोटा में आ गया। लोटा में पूरा एक एक लोटा पी जाते थे, सोचो पहले बच जाता था। खैर, ये सवाल बताइए 121। तो क्या करें भैया, गाड़ी वाला आया, गाड़ी वाला। गाना सुनाई दे रहा है? चलिए 121, ये क्या है? सॉप बबल हैविंग रेडियस इतना, ब्लो डिटर्जेंट, सरफेस टेंशन पता है, प्रेशर इनसाइड द बबल जो इक्वल है जेड नॉट बिलो द फ्री सरफेस ऑफ वाटर कंटेनिंग कंटेनर। तो डेंसिटी पानी का इतना है तो जेड नॉट का वैल्यू। ये लगता है सवाल अभी भी करवाया है क्या, कि जो एक्सिस प्रेशर है वो प्रेशर रो जी एच के बराबर है, और एच का मान कितना है, जेड नॉट। है ना, डेल्टा पी इक्वल टू जेड नॉट। डेल्टा पी कितना, 40 बाई आर, क्योंकि बबल्स है ना, सॉप बबल्स, बबल है तो कितना, 40 बाई रेडियस, इधर रो जी आर। अरे 4 लिखना है ना, तो का लिखा है, डेल्टा का है लिखा, 4 लिखो, सबका वैल्यू डाल दो 4। सरफेस टेंशन कितना है, ये रहा 2.5, 10^-2। रेडियस कितना है, तो रेडियस है 1 mm, mm को चेंज कर दीजिए। डेंसिटी पानी का कितना, 10^3, ग्रेविटी 10, और जेड नॉट निकल जाएगा क्या, जेड नॉट जो कटेगा उसे काट दीजिए प्लीज, ये कट जाएगा 10^-1, ये वाला इससे कट जाएगा, मतलब गुना भाग करना है, 25 × 100, 10 = 10^3 जेड नॉट। तो जेड नॉट का मान 10^-2 m, मतलब 1 cm। सही बात है सर, है ना। इसीलिए कहा जाता है बचपन का जो लाइफ होता है ना, एकदम निस्वार्थ भाव का होता है, दोस्त भी बनते हैं निस्वार्थ भाव से। अब ऐसा मतलब वो समय ही अलग होता है, बचपन बचपन अब आजकल का बचपन वो नहीं रहा, आजकल का बचपन तो मोबाइल में बीतता है। तुम्हारे जो बच्चे होंगे उनका बचपन कैसे बीतेगा, मोबाइल में। वो कोई बचपन है?
वो कोई बचपन है ना, मैं कहानी सुनाता हूँ, पढ़ाई लिखाई होते रहेगा, ये सवाल बनाइएगा, ये सवाल रूम में है ना होमवर्क, एक कहानी सुनाते हैं एक, चलो मोरल स्टोरी कहानी। है ना एक इंसान, कोई भी इंसान ले लो है ना, इसकी इसकी मौत हो गई। सुनो कहानी, बहुत ही इंस्पिरेशन कहानी है, एक्चुअली हम एक किताब में पढ़ रहे थे। तो ये इंसान, इसकी मौत हो गई, भगवान के पास गया, भगवान के पास गया, भगवान जी से मतलब इसको स्वर्ग मिला, इसको स्वर्ग मिला, ऐसी कोई बात नहीं है, स्वर्ग मिला। तो ये भगवान जी से पूछा कि भगवान जी हमको बस एक चीज जानना है ना, हमको बस एक ही चीज जानना है, मेरा एक ही सवाल है कि आपने हमको धरती पे भेजा था, आखिर क्या मकसद था, क्या मैं उस मकसद में पूरा हुआ या नहीं हुआ, है ना, क्या मैं उस मकसद में पूरा हुआ या नहीं हुआ, ये पूछ लिया। तो भगवान जी ने बोला हाँ तू मकसद में पूरा हुआ। अच्छा, ये बोला हाँ, बोला ठीक है बताइए क्या था वो मकसद जिसके लिए आपने हमको धरती पे भेजा था। तो इन्होंने बोला कि तुमको याद है 12 तारीख, 12 मार्च। तो बोले कौन सा साल, 12 मार्च 1970। ये बोला हाँ हाँ याद है, 12 मार्च 1970 याद है, तो ट्रेन में सफर कर रहा था, ठीक है हम कर रहे थे, हाँ एकदम कर रहे थे, हाँ कर रहे थे। तू कुछ खा रहा था, हाँ खा रहे थे, तेरे पास नमक था, हाँ था मेरे पास नमक था, नमक था। तेरे बगल वाले इंसान को वो नमक चाहिए था, तेरे बगल वाले इंसान को नमक चाहिए था, इसने बोला हाँ चाहिए था, मैंने उसको नमक दिया था, मैंने उसको नमक दिया था। तो भगवान जी ने बोले बस इसी एक काम के लिए मैंने तुझे भेजा था, बस इसी एक काम के लिए मैंने तुम्हें कहाँ भेजा था, धरती पे भेजा था। तो ये पूछा कि बाकी 80 साल वो किसी काम का नहीं था, वो तुमने क्या किया तुम जानो, मैं मेरा बस यही काम था कि उसके पास नमक जाना चाहिए था। तो भगवान जी ने बस यही बोला कि बस उस इंसान के पास नमक जाना चाहिए था जो तुमने दिया, मेरा बस तेरा तेरे को भेजने का बस यही पर्पस था। वो बोला कि अरे तेरा के ये क्या हो गया, मतलब मैंने पूरे 80 साल बस ऐसे ही बर्बाद कर दिए, आप तो बस हमको नमक देने के लिए भेजे थे ना, और मैंने क्या किया, पूरा का पूरा 80 साल कुछ नहीं किया, बस सुबह उठा, पढ़ाई किया, जो किया मतलब सब चीज जो क्रियाकलाप आम जनता करती है वही, कोई एक्स्ट्रा एक्टिविटी नहीं, कुछ नहीं, बाद में 80 साल में मर गया, है ना। तो स्टोरी का मोरल ये है कि भगवान जी आपको हो सकता है बस एक छोटा सा पर्पस के लिए भेजे होंगे, पूरा भी कर दोगे हमको पता है ना, बाकी का क्या, बाकी जो 80-90 साल तुम जीना रहोगे उसका क्या, ऐसे ही सुबह उठना है और क्या, क्या मतलब करोगे क्या, कुछ है ना दिमाग में, डॉक्टर बनना है, देश का सेवा करना है ना, इलाज करना है, तो कुछ तो है, तो उसके लिए करो तो कुछ तो करो, कि बस ऐसे ही पढ़ रहे हैं, ठीक है बना, ठीक है नहीं बना, नहीं बना छोड़ो क्वेश्चन, क्या दिक्कत है, बस यही मतलब सिर्फ यही, नहीं ना भगवान जी बस आपको छोटा सा काम करने के लिए भेजे हैं, वो तुम कर दिए होगे या आने वाले समय में कर दोगे, बाकी का क्या, बाकी का तुम्हीं को करना है ना, या पूरा 80 साल ऐसे ही 8 घंटा सोएंगे, 10 घंटा सोएंगे, मोबाइल चलाएंगे बस, ठीक है सिर्फ नमक देने के लिए हो सकता है तुमको भी ऐसे ही भेजे तो लाइफ का एक एम बनाइए, पढ़ाई लिखाई में मन नहीं करता, वही करना भी है, हम लोग जिस देश में रहते हैं यहाँ पढ़ाई का बहुत इंपॉर्टेंस भी है, पढ़ाई कीजिएगा तभी तो डॉक्टर बनिएगा, तो पढ़ाई करते रहिए भाई। सर अपना शेड्यूल बताइए, मेरा शेड्यूल पूरा फिक्स है पूरी तरह से, सुबह 7 बजे से आपका क्लास, 9 बजे से मेरा ऑफलाइन क्लास, 9 से लगभग 2:30 बज जाता है, 2:30 बजे खाना खाते हैं और 4 बजे से फिर स्टार्ट, तो 2:30 से 3 आधा घंटा खाना खाने में, फिर 4 से फिर स्टार्ट, फिर शाम को हो जाता है 7, 7:30 या 8, ठीक है, और आज रात को 8 बजे आपका क्लास है, 8 मेडिक प्रिंसिपल का, ठीक है ये सवाल बनाइएगा, नहीं तो ये सवाल नेक्स्ट क्लास हम बनाएंगे, आज रात को 8 बजे क्लास है आपका, 8 मेडिक प्रिंसिपल का, आप लोग का है ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले क्लास में, सवाल बना दीजिएगा पूरा का पूरा, हम सेंड कर देते हैं, ठीक है बाय। कैसा लगा स्टोरी जरूर बताइएगा।
कुछ लोग स्टोरी सुन भी रहे थे या नहीं सुन रहे थे? हम किताब में पढ़े थे ये स्टोरी।